तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास फिजिक्स में। पिछली क्लास में ना मैंने आप लोगों को कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स कराए थे और 10 न्यूमेरिकल्स थे शायद से, और शायद सभी लोगों को समझ में आ गए होंगे। मैंने कुछ करवा भी दिए थे और कुछ न्यूमेरिकल्स आप लोगों को बोला था घर पे करना है एनसीईआरटी के, और वो आसान थे, हो गए होंगे। अगर नहीं हुए हैं तो आप उन्हें एक बार उनका सॉल्यूशन खुद चेक कर लीजिएगा, और अगर नहीं हो पाए तो फिर मैं आपसे डिस्कस कर दूंगा। मुझे पर्सनल मैसेज करके पूछ लेना। एक आधे बच्चे का कोई सवाल मैसेज आया था, मैं उसका जवाब वीडियो के क्लास के बाद आप लोगों को दूंगा, जिन्होंने क्वेश्चन मेरे से पूछा हुआ है जो भी डाउट था उसका। तो अब मैं आज की ना क्लास शुरू करता हूँ। आज हम ना कूलम्स लॉ के बारे में ही थोड़ा और आगे चल करके पढ़ेंगे, थोड़ा और समझेंगे क्या चीज है कैसे। वैसे हमने इसके ऊपर बेस न्यूमेरिकल्स कर लिए। आज की क्लास फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ना वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ मैं पिछली क्लास में आप लोगों को पढ़ा चुका था। उसके बाद एक छोटी सी बात और है जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ, उसके बाद हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सुनिए ध्यान से। मान लीजिए ये आप लोगों के पास इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर दी जिसके एक किनारे पर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है Q1 और दूसरे पर एक दूसरा पॉइंट चार्ज रखा है दैट इज Q2। ये दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक है Q1 और दूसरा है Q2। मैं इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, दिस इज Q1 एंड दिस चार्ज इज Q2। अब ना पहला चार्ज दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएगा और दूसरा चार्ज पहले पर फोर्स लगाएगा। सपोज कर लीजिए अगर ये दोनों ही चार्ज सेम नेचर के होते, यानी कि या तो दोनों ही पॉजिटिव होते या दोनों ही नेगेटिव होते, तो Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगाता इस डायरेक्शन में और Q2 Q1 के ऊपर फोर्स लगाता इस डायरेक्शन में। आप इसके फोर्स को क्या लिखते हैं, आप यहाँ लिखते हैं F, F का मतलब है फोर्स। 1 क्यों फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज और कौन लगा रहे सेकंड, तो आप बोलेंगे ड्यू टू सेकंड चार्ज। तो दिस इज कॉल्ड फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड इस डायरेक्शन में। इसी तरीके से इसकी बात करें तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, दिस कैन बी रिटन एज F2। F2 का मतलब है फोर्स ऑन सेकंड चार्ज और किसकी वजह से, फर्स्ट की वजह से, तो ड्यू टू फर्स्ट। तो आप इसे लिखेंगे F21, यानी कि फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट। ऐसा तब लिखेंगे जब या तो दोनों ही पॉजिटिव हो या दोनों ही क्या हो नेगेटिव। अब यहां पर एक बात ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए मेरे पास एक चार्ज है Q1 और दूसरा वाला चार्ज है Q2। सपोज कर लो पहला चार्ज जो है वो पॉजिटिव है और दूसरा वाला चार्ज भी कैसा है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव जो आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव जो होता है वो जीरो से कैसा होता है बड़ा। मान लीजिए अगर पहला चार्ज नेगेटिव होता और दूसरा भी नेगेटिव होता तो नेगेटिव इनटू नेगेटिव भी क्या होता पॉजिटिव और पॉजिटिव फिर से जीरो से कैसा आता है बड़ा। इससे हमें यह पता लगा कि अगर दो चार्जेस की प्रोडक्ट जीरो से बड़ी आई तो इसका मतलब दोनों चार्जेस सिमिलर है, और अगर दोनों के दोनों चार्जेस सिमिलर है तो हमेशा ही क्या होगा इसमें रिपल्शन। तो इस वजह से आप चाहे तो यहां लिख सकते हैं कि Q1 into Q2 is greater than zero। जब भी इनकी प्रोडक्ट जीरो से बड़ी आएगी तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे रिपल। इसी तरीके से अगर मैं यहां पर इस तरीके से यूं ड्रॉ कर लूं दूसरे चार्जेस, फिर से मैंने यहां पर एक चार्ज लिखा कौन सा Q1, इस जगह पर दूसरा चार्ज लिख दिया Q2। अब Q1 और Q2 सपोज कर लो दोनों अपोजिट साइन के, एक नेगेटिव है और एक कैसा है पॉजिटिव। तो Q1 और Q2 अगर अपोजिट साइन के हैं तो इसका मतलब है Q1 को Q2 अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ और Q2 को Q1 अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो आप इसे लिखेंगे F1, यानी कि फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड, और इसे लिखेंगे F21, दिस इज फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट। लेकिन इस बार चीजें बदलेंगी थोड़ी सी। मान लीजिए अगर Q1 आपका पॉजिटिव है और Q2 कैसा है नेगेटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव और नेगेटिव जो होता है वो जीरो से छोटा होता है। इसी तरीके से अगर Q1 नेगेटिव है और Q2 कैसा है पॉजिटिव, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज अगेन नेगेटिव, तो फिर से कैसा होगा जीरो से छोटा। इसका मतलब अगर एक चार्ज पॉजिटिव और एक चार्ज नेगेटिव है तो इनकी प्रोडक्ट जीरो से छोटी आएगी, यानी कि नेगेटिव होगी, और जब भी नेगेटिव होगी तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे। बिल्कुल सही, इसका मतलब Q1 इंटू Q2 इज लेस देन जीरो। तो बस एक सिंपल सी बात है कि दो चार्जेस की प्रोडक्ट अगर जीरो से बड़ी आई तो वो रिपेल करेंगे और दो चार्जेस की प्रोडक्ट अगर जीरो से छोटी आई तो वो एक दूसरे को रिपेल अट्रैक्ट करेंगे। ये जो बात है ये मैंने आप लोगों के लास्ट क्लास वाले वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ के अंदर इस डायग्राम को मैंने वहां बना रखा है और इस चीज को बता भी रखा है, तो इसे आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, ये नोट्स में मैंने पहले से ही डाल रखा है। अब मैं अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, इसे मैं रब कर रहा हूँ। सुनिए ध्यान से,
अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का एक टॉपिक। आज वैसे मैंने सोचा तो है कि मैं दो टॉपिक खत्म कर दूंगा, लेकिन ना कोई जल्दबाजी नहीं है। इस एक टॉपिक को बहुत अच्छे से और बारीकी से और बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है? क्योंकि ये इसी में नहीं, ये आपकी जितने भी टॉपिक, जितने भी चैप्टर चलेंगे, हर जगह पर ये चीज या इनके जैसी चीजें बार बार आएंगी। तो अभी अगर आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी ना, तो आगे आने वाले टॉपिक्स में आपको जरा सी भी दिक्कत और परेशानी नहीं होगी इस चीज को लेकर के। अब ये है क्या, सुनिए ध्यान। आज की क्लास का जो टॉपिक है उसका नाम है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, या फिर डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम। ये दोनों बातें बिल्कुल सेम है, दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम या फिर डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम, ये आज की क्लास की मेन हेडिंग है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि आखिर परमिटिविटी होती क्या है। What is permittivity? इस permittivity के बारे में हमें थोड़ा सा जानना है। मैं ना अभी आप लोगों को permittivity के बारे में बताने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ क्या है, लेकिन अभी बताने से इतनी जल्दी आप लोगों को चीजें क्लियर नहीं होंगी। आप थोड़ा इंतजार करना, थोड़ा सब्र रखना। मैं अभी अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं जब पूरे टॉपिक को पढ़ा करके एंड कर लूंगा, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि आपको कोई डाउट है। अगर आपको फिर डाउट हो ना, तब आप उससे पूछना, क्योंकि जो जो सवाल आपके दिमाग में उठेंगे ना, मैं उनके जवाब कहीं ना कहीं आगे पीछे करते करते अपने आप ही बता दूंगा। तो अब इसलिए ना आप थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं बता रहा हूँ परमिटिविटी और क्या चीज है, क्या टॉपिक है, क्यों पढ़ रहे हैं, कहाँ से आ गए एकदम से, हम तो कूलम्स लॉ पढ़ रहे थे, ये चीज कैसे एंटर कर गई, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सुनिए ध्यान। सबसे पहली चीज कि आखिर परमिटिविटी होती क्या है। कहा जाता है कि परमिटिविटी ना मीडियम की एक प्रॉपर्टी होती है, मीडियम की। कहते हैं व्हाट इज परमिटिविटी, परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम, यानी कि मीडियम की एक ऐसी प्रॉपर्टी जो ये डिटरमिन करती है कि उस मीडियम में रखा हुआ एक चार्ज किसी दूसरे चार्ज के ऊपर कितना ज्यादा या कितना कम फोर्स लगा सकता है। ये जो प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम है ना, ये कौन बताता है, दैट इज परमिटिविटी। अब इतनी सी बात को मैं दोबारा रिपीट नहीं करना, अब इसको ना मैं एक्सप्लेन करना शुरू करूंगा। सुनिए ध्यान से, आखिर चीज है क्या। देखिए कूलम्स ने अपने लॉ में एक बात बता दी कि अगर आपके पास दो पॉइंट चार्जेस है और दोनों पॉइंट चार्जेस किसी डिस्टेंस आर से सेपरेटेड है, तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है वो फोर्स होता है एफ इज इक्वल टू के, दैट इज क्यू वन, दिस इज क्यू टू और अपॉन में आर स्क्वायर। इतना फोर्स लगता है दो पॉइंट चार्जेस के बीच में कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग। इसका मतलब ना कूलम ने ये कहा कि ये फोर्स ना Q1 पे डिपेंड करता है, Q2 पे डिपेंड करता है और डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। और आप Q1, Q2 डिस्टेंस रखिए, K रखिए, आपको आपका फोर्स मिल जाएगा दो पॉइंट चार्जेस के बीच में। इसके न्यूमेरिकल्स भी हम पिछले क्लास में कर चुके थे। अब हमने किया क्या, दो चार्जेस लिए, इन दोनों के दोनों चार्जेस को उठाया और ना एयर में रख दिया या वैक्यूम में रखा, और उसके बाद ना इस फॉर्मूले की मदद से उनके बीच का फोर्स कैलकुलेट कर लिया, या इस फॉर्मूले की मदद से या कैसे भी फोर्स नाप लिया हम लोगों। फिर उन्हीं दोनों चार्जेस को उठा करके जब हमने एयर या वैक्यूम या यूं कहिए कि फ्री स्पेस में से उठाया और उठा करके किसी दूसरे मीडियम में ले जा करके रख दिया, मान लीजिए पानी में ले जा करके दोनों चार्जेस को इतने ही डिस्टेंस पर रखा, और अब फिर से फोर्स उसका नापा ना, तो इस बार उन दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स जो है वो पहले के कंपैरिजन में बदल गया, चेंज हो गया, पहले से जो फोर्स है वो कम हो चुका है। अब यहां से हमारे पास एक सिंपल सी बात आती है, एक अब यहां से हमारे पास एक बात आती है कि यार एक चार्ज को जब हम लोगों ने एयर में दो चार्जेस को रखा, तब उनके बीच में फोर्सेस लगे कुछ ना कुछ। जैसे ही हमने उन दोनों चार्जेस को उठा करके वाटर में रखा, यानी कि मीडियम चेंज किया, तो मीडियम को बदलने पर, मीडियम के चेंज होने पर ना यह फोर्स भी चेंज हो गया। इसने इस बात की तरफ इशारा किया कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स चार्जेस पर ही नहीं, डिस्टेंस पर ही नहीं, बल्कि इस बात पर भी डिपेंड करता है कि उन दोनों चार्जेस के बीच में कौन सा मीडियम प्रेजेंट है, या वो दोनों चार्जेस किस मीडियम के अंदर रखे हुए हैं। यानी कि अगर चार्जेस के बीच का मीडियम आप बदल देंगे ना, तो उनके बीच में लगने वाला ये जो फोर्स है वो भी बदल जाएगा। इसका मतलब ये एक ऐसा फोर्स है जो मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब सवाल यह आया कि अगर ये मीडियम पर डिपेंड करता है, तो इसके फॉर्मूले में मीडियम वाली कोई चीज आनी भी तो चाहिए, दिखे भी तो सही कि मीडियम कहां पर है। मान लो अगर मैं मीडियम बदल दूं,
तो आप बोलोगे सर मीडियम बदलने पर फोर्स बदल जाता है, इसमें तो कहीं मीडियम वाली कोई चीज नजर नहीं आ रही। Q1 Q2 R ये तो हम जानते हैं, इसका मतलब जो मीडियम वाली प्रॉपर्टी है ना वो किसके अंदर डाली गई है, इस कांस्टेंट के अंदर। यही कांस्टेंट ना मीडियम की वजह से चेंज हो जाता है, और इसी को मीडियम वाली बात बताने के लिए इस्तेमाल किया गया, और मीडियम से रिलेट करने के लिए इसी की वैल्यू लिख दी जाती है 1/4 pi epsilon naught, जिसकी वजह से अब यही फॉर्मूला बदल जाता है और क्या बन जाता है, F is equal to में 1/4 pi epsilon naught, that is Q1 Q2 upon R का square। अब K की ये वैल्यू कहां से ढूंढी गई, कैसे ढूंढी गई, ये हमें नहीं जानना यहाँ पर, और इसके लिए कोई कैलकुलेशन है, अलग तरीके की चीजें हैं, इसके बारे में हमें यहाँ डिस्कस नहीं करना, लेकिन हमें ये जरूर डिस्कस करना है कि आखिर ये चीज होती क्या है, इसकी वजह से फोर्स पर क्या असर पड़ता है, ये चीज बदलने से आखिर किस तरह से फोर्स चेंज हो जाता है, इसका एक्चुअल फिजिकल मतलब क्या होता है, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड परमिटिविटी। तो इस लेटर का नाम एप्सिलॉन है, मैं आपको पहले बता चुका हूं, और अगर एप्सिलॉन नॉट लिखा हो तो इसका मतलब ये जो बात, ये जो एप्सिलॉन नॉट लिखा ये सिर्फ और सिर्फ ना एयर के लिए है या वैक्यूम के लिए, या दोनों को मिला करके हम चाहे तो बोल सकते हैं कि ये फ्री स्पेस के लिए, और तब जाकर के हमारा कूलम्स लॉ इस तरीके की शक्ल ले लेता है और अब ये ऐसा बन जाता है। तो आज की क्लास सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और इस चीज का डिस्कशन अब मैं आप लोगों के सामने शुरू कर रहा हूं। सुनिए ध्यान से, फॉर्मूले से देखने पर पता लग रहा है कि जैसे जैसे आपकी परमिटिविटी बढ़ेगी वैसे वैसे फोर्स जो है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। यानी कि अगर आप दो चार्जेस को ऐसे मीडियम में ले जाकर के रख दो जिसकी परमिटिविटी की वैल्यू काफी ज्यादा है, तो उस मीडियम में इसके बीच, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स बहुत कम होगा। लेकिन अगर आप इसे ऐसे मीडियम में रख दो जिसकी परमिटिविटी बहुत कम है, इसका मतलब ये हुआ कि उनके बीच में फोर्स बहुत ही ज्यादा लगेगा। साइंटिस्टों ने सभी मीडियम को स्टडी किया और ये पता किया कि इस एप्सिलॉन नॉट यानी कि इस परमिटिविटी की वैल्यू सबसे कम अगर होती है किसी मीडियम की तो वो किसकी होती है, वैक्यूम की होती है। और वैक्यूम की सबसे कम परमिटिविटी होने की वजह से ना उसी वैक्यूम के अंदर फोर्स कैसा लगता है, सबसे ज्यादा। यानी कि अगर कोई भी आपसे, मैं बताऊंगा अभी क्यों इसकी वैल्यू कम होती है वैक्यूम के लिए और क्यों उसमें फोर्स सबसे ज्यादा लगता है, इसका रीजन मैं आपको अभी क्लियर करूंगा आगे पीछे से ही, लेकिन सारी बातों को क्लियर तरीके से समझाऊंगा। इसका मतलब ये हुआ कि मीडियम की ये प्रॉपर्टी अगर कम ज्यादा होगी ना, ये वैल्यू कम और ज्यादा होगी तो उसके अकॉर्डिंग फोर्स भी कम लगेगा या फिर कैसा लगेगा, ज्यादा। और आप लोगों को पिछली क्लासेस में बता चुका हूं कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻², दैट इज पर न्यूटन, दिस इज पर मीटर स्क्वायर एंड दैट इज कूलम स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, बट किसके लिए, दिस इज फॉर द फ्री स्पेस, ये आता है हमारे पास फ्री स्पेस की वैल्यू। ठीक है, अब सुनिए ध्यान, अब हम एक काम करते हैं कि यार मीडियम बदलने पर दो चार्जेस के बीच का फोर्स बदल जाता है, ये बात आप लोग मानते हैं कि ठीक है बदल जाता है। अब हमें ये स्टडी करना है कि सर कितना बदल जाता है, कैसे बदल जाता है और इसके पीछे की वजह क्या है। तो यार इस चीज के पीछे का रीजन समझने के लिए हम एक काम करते हैं, मैं क्या करने वाला हूं मैं अभी आपको बता रहा हूं, फिर मैं वो चीज करके दिखाऊंगा। मैं दो पॉइंट चार्जेस ले लेता हूं, उन दोनों पॉइंट चार्जेस को उठा करके सबसे पहले फ्री स्पेस में रख देता हूं, यानी कि वैक्यूम में रख देता हूं, और फिर वैक्यूम में रखने के बाद उन दोनों के बीच का फोर्स मेजर करके लिख लेता हूं अपने पास कूलम्स लॉ की मदद से। फिर उन्हीं दोनों चार्जेस को दोबारा उठाऊंगा और फिर उन दोनों चार्जेस को उठा करके ना अब की बार किसी मीडियम में ले जाकर रख देता हूं, जैसे कि वाटर में, उतने ही डिस्टेंस पर जितने डिस्टेंस पर वो एयर में रखे हुए थे या वैक्यूम में रखे थे। फिर उन दोनों के बीच में दोबारा से फोर्स कैलकुलेट कर लेता हूं। अब मेरे पास ना एयर में जब चार्जेस थे तब का फोर्स पता है मुझे, और उसके बाद मैंने मीडियम में, वाटर में या किसी भी मीडियम में रख दिया तब का फोर्स मैंने निकाल दिया। फिर दोनों फोर्सेस को सामने सामने रख के कंपेयर कर लेते हैं कि किस टाइम पे फोर्स ज्यादा है और किस टाइम पर फोर्स कम है, और उसके बाद से हम देख लेंगे कि कैसे मीडियम की वजह से चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स कम या ज्यादा हो जाता है या फिर बदल जाता है, इस चीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। बाकी की चीजें जब मैं करना शुरू करूंगा तब आपको धीरे धीरे ये चीज क्लियर होती शुरू होनी शुरू हो जाएगी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं जो बात मैंने कही थी बिल्कुल वैसे ही। तो अब मैंने क्या किया, सपोज कर लेते हैं मेरे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, पहला पॉइंट चार्ज ये रहा इस जगह रख दिया और दूसरा पॉइंट चार्ज ये रहा। सपोज कर लेते ये वाला चार्ज Q1 है और ये वाला जो चार्ज है वो कितना है, दैट इज Q2। इन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना मान लिया आर। इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, नंबर एक पहली सिचुएशन,
मैंने यहाँ पे पहले केस में बोला कि अगर ये दोनों के दोनों चार्जेस कहां पर मौजूद है, फ्री स्पेस में, और फ्री स्पेस मैंने बता रखा एयर और वैक्यूम, तो कूलम्स लॉ ये कहता है कि इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा वो होगा 1/4 pi epsilon naught, दैट इज Q1 into Q2, और अपॉन में आ जाएगा आर का स्क्वायर। इसे मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर वन, ये पहली इक्वेशन होगी मेरे पास, इसे मैं बोल देता हूँ फर्स्ट पॉइंट में, पहली इक्वेशन बन गई मेरे पास। अच्छा, क्योंकि ये फोर्स ना फ्री स्पेस में निकाल रहे हैं, इसलिए ये फोर्स बाकी दूसरे फोर्सेस से अलग नजर आए, इसलिए इसको क्या लिख दिया, एफ नॉट। एफ नॉट का मतलब है फोर्स इन फ्री स्पेस, फ्री स्पेस। अब मैंने दूसरे सिचुएशन में क्या किया, इन्हीं दोनों चार्जेस को फिर से उठाया, और अब की बार इतने ही डिस्टेंस पर इन्हीं दोनों चार्जेस को किसी दूसरे मीडियम में ले जा करके रख दिया, यानी कि मैं यहां लिख देता हूं क्या, इन एनी मीडियम, किसी भी मीडियम में, इन एनी मीडियम, किसी भी मीडियम में ले गए। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लिया, जैसे कि मैंने इनको वाटर में रख दिया, पानी में ले जा करके रख दिया। अब इन दोनों चार्जेस के बीच में जब फोर्स निकालूंगा तो मीडियम के लिए एफ एम लिख देते हैं, एफ का मतलब है फोर्स, एम का मतलब है फोर्स इन मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस। तो आप यहां पर लिखेंगे 1/4 pi epsilon naught, नहीं लिखना, क्योंकि नॉट लिखा जाता है फ्री स्पेस के लिए। अगर फ्री स्पेस है तो एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, और अगर फ्री स्पेस नहीं है तो आपको लिखना होगा सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन। एप्सिलॉन मतलब कि फ्री स्पेस के अलावा कोई भी मीडियम होगा उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एप्सिलॉन। उसके बाद बाकी की चीजें बिल्कुल सेम रहेगी, Q1, Q2, और अपॉन में यहां पर क्या रहेगा, आर स्क्वायर। मैंने इसे बोल दिया इक्वेशन नंबर सेकंड, मतलब मुझे दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स पता चल गया एयर के अंदर, दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स पता चल गया किसके अंदर, किसी भी मीडियम के अंदर। अब ये दोनों के दोनों फोर्सेस मुझे पता है, मुझे ये जानना है कि इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो इसके लिए मुझे दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा, और कंपेयर करने का सबसे अच्छा तरीका यह कि मैं दोनों को डिवाइड कर लेता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने लिखा 16 और यहां लिखा 2, कोई बोले भाई कौन सा नंबर बड़ा है, मैंने कहा 16 बड़ा है। कैसे पता चला, कह रहा देखने से पता लग रहा है कि 16 जो है वो 2 से 8 गुना ज्यादा बड़ा है। ये कैसे पता चला 8 गुना ज्यादा बड़ा है, कहा 16 को आप 2 से डिवाइड कर दो, आपको पता चल जाएगा कि हाँ 8 गुना बड़ा है या फिर छोटा। वैसा ही काम मैं भी यहां पे कर रहा हूं, इन दोनों को कंपेयर करने के लिए मैं दोनों को ही डिवाइड करता हूं एक दूसरे से, और फिर जो रिजल्ट आएगा उससे देखते हैं हमें क्या बात पता चलती है। ऐसा करने के लिए मैंने एक काम किया, इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर दिया इक्वेशन नंबर 2 से, और इक्वेशन नंबर 1 में जो था वो क्या था, एफ नॉट, और इक्वेशन नंबर 2 में क्या था, दैट इज एफ एम। एफ नॉट मतलब फोर्स इन एयर, और एफ एम मतलब फोर्स इन एनी मीडियम। तो एफ नॉट की वैल्यू आप लोगों को पता है 1/4 pi epsilon naught, दैट इज Q1 Q2 upon r square, और एफ एम की वैल्यू भी हम जानते हैं 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट, नहीं सिर्फ एप्सिलॉन, और यहां लिखेंगे Q1 into Q2 upon क्या आ जाएगा, आर का स्क्वायर। आप यहां 4 pi से 4 pi कैंसिल कर दीजिए, Q1 Q2 by r square, और Q1 Q2 by r square ये भी कैंसिल हो गया, आपके पास यहां पर बचेगा 1/εo, नीचे बचेगा 1/εo, और फिर उसके बाद मैंने इस चीज को लिख दिया एफ नॉट अपॉन में एफ एम एज इट इज, और ये जो टर्म है ये नीचे से पलट के जब ऊपर जाएगी तो ऊपर आ जाएगा एप्सिलॉन, और नीचे की तरफ क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए व्हाट इज एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, कोई भी मीडियम जिसमें हमने चार्जेस को रखा। एप्सिलॉन नॉट क्या है, इट इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, वैक्यूम या फिर एयर। इसका मतलब ऊपर भी परमिटिविटी है नीचे भी परमिटिविटी है, इसका मतलब एक परमिटिविटी को दूसरी परमिटिविटी से डिवाइड करोगे तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा ना। मान लो डिवाइड करने पर जो भी रिजल्ट आता है ना, हम उसी रिजल्ट को एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी टर्म को कहा जाता है रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और इसी चीज का एक और नाम होता है जिसे हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। इंतजार कीजिए, मैं इनका मतलब अभी आप लोगों को समझाता हूँ। तो इसी को कहा जाता है रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और इसी चीज का एक और नाम है उसे के से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। इसका सेंस ये आगे चल के अगले चैप्टर में आप इनके बारे में और भी ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे, फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर ये चीजें क्लियर कर रहा हूँ। तो इस तरह से ना मुझे ये पता चला कि जब मैंने दोनों के दोनों फोर्सेस को डिवाइड किया तो मुझे जो नंबर मिला उसी नंबर को, उसी रेशियो को हम लोगों ने नाम दिया क्या, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। अच्छा, अब एक चीज सुनिए ध्यान से,
ये जो चीज है, ये टर्म है और ये जो टर्म है, ये दोनों की दोनों बातें बिल्कुल सेम है, बस इसे कहा जाता है क्या, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और इसे क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। इसे क्यों डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, ये क्या है, इन सबके नाम के पीछे की वजह है, मैं आपको समझाऊंगा अभी, फिलहाल के लिए ये चीज आप लोगों के लिए क्लियर है। ये सब कुछ जो आप देख रहे हैं ना, ये सारी की सारी चीजें ना मैंने नोट्स में डाल रखी हैं, आप इसके बारे में ना बिल्कुल भी चिंता मत करना कि ये नोट करना है, कॉपी करना है, सब कुछ आपके नोट्स में अवेलेबल है, आप वहां से इसे देख लीजिएगा। फिलहाल अब सुनिए जरा इसके आगे की बात, मैं अब ये चीज यहां से रख कर रहा हूं, अब भाई ध्यान से सुनना, क्योंकि अब मैं ना आपको इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस बताने वाला हूं, आखिर ये चीजें हैं क्या, मैं ये चीज यहां से रब कर रहा हूं, सुनिए ध्यान से, ये चीज क्या है, किसे कहते हैं। इससे पहले ना मैं एक बारी इन दोनों की डेफिनेशन समझा देता हूं आप लोगों को, ध्यान से सुनिए। अगर आपके एग्जाम में कहा जाए कि व्हाट डिफाइन रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, या कहा जाए डिफाइन कीजिए डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, तो भाई इसी फॉर्मूले से आप इसकी डेफिनेशन बताएंगे, कैसे बताएंगे ध्यान से सुनिए। मैं सबसे पहले ना इसकी वैल्यू उठाता हूं, यानी कि मैंने यहां पर क्या लिख दिया, एप्सिलॉन आर, या फिर आप इसी चीज को क्या बोल सकते हैं, के डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। मैंने आपसे कहा एप्सिलॉन क्या है, ये परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम है, ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब मैं इसको थोड़ा और बारीकी में लेके जाता हूं, ध्यान से, एक्चुअल में इसे सही मायने में बोला जाए तो इसे कहा जाता है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और इसे कहा जाता है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, और इसे कहा जाता है रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। सुनिए ध्यान से, एब्सोल्यूट शब्द का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट मतलब अपना खुद का पर्सनल, ये मतलब होता है एब्सोल्यूट का। मैं इसे एक एग्जाम्पल से समझाता हूं, मान लीजिए आपके स्कूल में आपके टीचर ने आपको एक वर्क दिया कि आप ना एक फाइल तैयार कीजिए किसी भी एक टॉपिक के ऊपर, सभी बच्चों को काम दिया कि सभी लोग फाइल बना के ला। अब आपने क्या किया, चार बच्चे मिले और चारों ने मिल करके ना एक फाइल तैयार कर ली, मिल करके इकट्ठा होकर के एक फाइल तैयार किया और टीचर के पास आप ले गए और बोला सर ये हमारी ना चारों की सिंगल फाइल ये रही। तो टीचर ने बोला भाई मैंने कहा था कि सबको अपनी अपनी फाइल बनानी है, यानी कि हर एक बच्चे की एब्सोल्यूट फाइल होनी चाहिए, अपनी खुद की पर्सनल फाइल, आप ग्रुप करके एक साथ इकट्ठा बैठ करके एक फाइल चार लोग नहीं बना सकते, मुझे सभी लोगों की एब्सोल्यूट फाइल चाहिए। एब्सोल्यूट शब्द का मतलब होता है अपना खुद का पर्सनल, तो इसीलिए इसका मतलब एप्सिलॉन नॉट क्या, दिस इज द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, मीडियम की खुद की परमिटिविटी क्या है एप्सिलॉन, और फ्री स्पेस की खुद की परमिटिविटी क्या है एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन क्या है ये रिलेटिव है। अभी मैं इस रिलेटिव को समझाता हूँ, पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो इसका मतलब अगर कोई पूछे कि यार रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या है, डिफाइन करो इस चीज को, तो आप सिंपल वे में बोल सकते हो सर डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट या रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है रेशो, किसका रेशो है, दो क्वांटिटीज का, पहली कौन सी है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम और दूसरी कौन सी है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। बस इसी चीज को कहा जाता है रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या फिर बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। अब जो बात मैं आपको बोल रहा हूँ इन शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यही वो बात है जो मैं बोल रहा हूँ, यही मैंने नोट्स में लिखी हुई है, आप पेपर में भी आप डेफिनेशन ऐसे लिखेंगे। क्या लिखेंगे, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम और या फिर डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ अ मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। ये जो लाइन मैंने आपको बोली ना, ये इस रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की डेफिनेशन है, ये इस तरह से इसे डिफाइन करती है। इसके अलावा आप इसी चीज की एक और डेफिनेशन भी बता सकते हैं, क्योंकि आपने देखा ये टर्म इसके भी बराबर है और यही टर्म इसके भी बराबर है। तो अगर कोई आपसे पूछे नहीं आप ना रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट को इन टर्म्स ऑफ फोर्स समझाइए, फोर्स की टर्म्स में एक्सप्लेन कीजिए, तो आप फिर से बोल सकते हैं कि यार रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ये भी क्या है रेशियो है इनका, फोर्सेस का, कौन से फोर्सेस, ये दो फोर्सेस, ये वाला फोर्स कौन सा है, दो चार्जेस के बीच में लगने वाला वो फोर्स
जो तब लगा था जब दोनों चार्जेस फ्री स्पेस में थे, और ये कौन सा फोर्स ही है उन्हीं दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, जब यही वाला फोर्स तब लगा था दोनों चार्जेस के बीच में जब वो किस प्रेजेंट थे, मीडियम में। यानी कि आप बोल सकते हैं कि रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी जो है वो रेशियो है फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इन फ्री स्पेस एंड टू द फोर्स बिटवीन द सेम टू चार्जेस इन एनी मीडियम। अब मैं इस चीज को डेफिनेशन को बोल रहा हूं, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द फोर्स बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड थ्रू अ सर्टेन डिस्टेंस इन एयर और वैक्यूम और फ्री स्पेस टू द फोर्स बिटवीन द सेम चार्जेस सेपरेटेड थ्रू द सेम डिस्टेंस इन एनी अदर मीडियम। And this is called what that is called relative electrical permittivity or dielectric constant। ये इस तरह से आप force की terms में भी define कर सकते हैं और इसकी terms में भी define कर सकते हैं। अच्छा, ऊपर भी force है, नीचे भी force है, force की unit newton, नीचे भी newton, newton से newton क्या हो गया, cancel। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो quantity है वो एक unitless quantity है, ये एक dimensionless quantity है। इसका मतलब basically आप बोल सकते हैं कि इसको solve करने पर जो answer आएगा वो सिर्फ और सिर्फ एक number होगा, सिर्फ और सिर्फ एक नंबर, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके का कोई नंबर होगा। अब इसी नंबर को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब इसका मतलब समझना है, आखिर ये नंबर है क्या, इसका क्या मीनिंग है, ध्यान से सुनिए। अब बताता हूं इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है, उसको सुनिएगा गौर से, क्या चीज है इसके पीछे का लॉजिक, मैं इसे अब रब कर रहा हूं और सुनिए गौर से इस चीज के बारे में। देखिए एक्चुअल में बात ये आती है कि यार दो चार्जेस को जब हमने एयर में रखा या वैक्यूम में रखा तब उनके बीच में कुछ फोर्स था, उन दोनों को उठा करके दूसरे मीडियम में रख दिया, तो भैया उस मीडियम में ऐसा हुआ क्या कि फोर्स को बदल दिया उस मीडियम में, यानी कि मीडियम में क्या होता है ऐसा जिसकी वजह से दो चार्जेस के बीच का फोर्स बदल जाता है, एयर और वैक्यूम में अलग था और मीडियम बदलने पर कुछ और ही निकल गया, क्या होता है उनके पीछे का लॉजिक। मैं आप लोगों को वो लॉजिक समझा रहा हूं, यहां तक जो मैंने बताया ये सारा वो वाला पोर्शन था जो आप लोगों को एग्जाम में एज इट इज लिखना है, इस तरह से इसको डिफाइन करना, ये इसकी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन वगैरह सब कुछ मैंने नोट्स में लिखी हुई है। अब मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में बिल्कुल फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को क्लियर कर रहा हूं, सुनेगा ध्यान से। मान लीजिए ये आपके पास पहला चार्ज एक और ये रहा दूसरा चार्ज, और इन दोनों ही बॉडीज के ऊपर कैसे भी चार्जेस हो सकते हैं, हो सकता है एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज। मैंने मान लिया कि एक के ऊपर जो चार्ज है वो कैसा है, पॉजिटिव, और एक के ऊपर चार्ज मान लेते हैं नेगेटिव। सपोज कर लीजिए इस वाली बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज है और इस वाली बॉडी के पास कैसा चार्ज है, नेगेटिव। इस तरह से हमने लेक्ट कर लिया। अब ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को फोर्स लगा के अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। मान लीजिए इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कितना लगेगा, एफ लगेगा, पहले चार्ज की वजह से दूसरे के ऊपर। सपोज कर लो अभी ये चार्जेस वैक्यूम में रखे हुए, वैक्यूम मतलब जहां पे कुछ भी मौजूद नहीं है, और वैक्यूम में कितना फोर्स लग रहा है, एफ लग रहा है, या एफ के बजाय मान लीजिए कितना लग रहा है, एफ नॉट लग रहा है। अब मैंने इन दोनों चार्जेस के बीच का कुछ डिस्टेंस था मान लीजिए आर, अब मैंने इन्हीं दोनों चार्जेस को उठाया और उठा करके पानी में रख दिया, वाटर में रख दिया। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि भैया वाटर में क्या होता है ऐसा कि फोर्स में चेंजेस आ जाते हैं, फोर्स बदल जाता है। समझाता हूं ध्यान से, जब आप इन दोनों चार्जेस को वाटर में ले जाकर के रखते हैं तो चार्जेस के बीच में बहुत सारे छोटे छोटे वाटर के क्या आ जाते हैं, पार्टिकल्स आ जाते हैं। ये रहे वाटर के पार्टिकल्स, छोटे छोटे यहाँ मौजूद है, हर तरफ मौजूद है, और मैंने इनको पानी में रखा है तो पानी के पार्टिकल्स बीच में है। आप कह सकते हैं सर अब ये दोनों के दोनों चार्जेस ना वाटर के अंदर रखे हुए हैं, ये वाटर के पार्टिकल्स हैं। अब आप जानते हैं ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज अपने पास वाले पार्टिकल्स के नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ खींचेगा और उनके पॉजिटिव चार्जेस को जबरदस्ती क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसी तरीके से अब इसमें इधर की तरफ नेगेटिव आ गया और इस तरफ कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अब ये वाला पॉजिटिव अपने बगल वाले के नेगेटिव को खींचेगा और ये अब इसके पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसने इसके नेगेटिव को खींचा और इसके पॉजिटिव को रिपेल करके दूर भेज दिया। यही सेम काम ये अगले के साथ करेगा, ये फिर अपने ये पॉजिटिव इसके नेगेटिव को खींचेगा और यही पॉजिटिव इसके पॉजिटिव को जबरदस्ती क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसी तरीके से ये पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा और ये पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करना स्टार्ट करेगा। अगर इस तरह से देखा जाए
तो इसका मतलब पहले ये चार्ज फ्री स्पेस में वैक्यूम में ये था और ये था, सिर्फ ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था कितने फोर्स से, एफ नॉट फोर्स से। अब यहाँ पर ये सारे पार्टिकल्स हैं, इन सबके पास नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस है, इसका मतलब ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस वाले नेगेटिव को अपनी तरफ खींच रहा था इतने फोर्स से, और अब ये वाले जो नेगेटिव चार्ज है, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है, ये सारे के सारे नेगेटिव ना इस वाले नेगेटिव को जबरदस्ती क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ढकेलेंगे, दूर भगाएंगे। और मान लेते हैं ये कितना फोर्स लगा रहे हैं, सपोज कर लीजिए एफ डैश फोर्स लगा रहे हैं, अब इसका मतलब ये इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और ये सारे के सारे इसे जबरदस्ती अपने से क्या कर रहे हैं, दूर रिपेल कर रहे हैं। इसका मतलब ये रिपेल कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अब इस बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो एफ नॉट नहीं होगा, एफ नॉट से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम, और यही वजह कि मीडियम बदल गया ना, तो जाहिर सी बात है फोर्स भी बदल गया, फोर्स भी बदल गया। अच्छा इतना ही नहीं, अगर देखा जाए तो इस हिसाब से अगर हम देखें यहाँ पर चीजों को देखें ना, तो ये पॉजिटिव वाले जो चार्जेस है ना, ये पॉजिटिव वाले इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करेंगे, ये पॉजिटिव वाले इसे अट्रैक्ट भी करेंगे और नेगेटिव वाले भी क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लेकिन ये पॉजिटिव और नेगेटिव ये ना इनसे अलग अलग डिस्टेंस पर है, नेगेटिव दूरी पर है और पॉजिटिव कहाँ पर है, पास में। इस वजह से देखा जाए तो नेगेटिव की वजह से अलग फोर्स लगेगा, पॉजिटिव की वजह से अलग फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से इस पर ना इसके अलावा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फोर्स और लगेगा जो इस फोर्स को बदल देगा, जिसकी वजह से मीडियम बदलने पर ना जाहिर सी बात है फोर्स भी बदल जाएगा। ये आपके पीछे का लॉजिकल कंसेप्ट था, ये लॉजिक ना कहीं है नहीं ट्वेल्थ क्लास में, लेकिन बस ये है कि एक टॉपिक आपको समझना है, मैं बिना किसी रीजन के बिना किसी उसके रटवाना नहीं चाहता, इस वजह से मैंने आपको ये बात बता दी। अब मेरी एक बात ना ध्यान से और गौर से सुनते जाइएगा, सुनिए ध्यान से। अगर किसी मीडियम के अंदर ऐसे यहां से लेके यहां तक बहुत सारे पार्टिकल्स होते, बहुत सारे भर भर के पार्टिकल्स होते, तो इतने सारे पार्टिकल्स तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स लगाते, और इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स लगाते उल्टी डायरेक्शन में, तो इसका फोर्स बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता, कम हो जाता। इसका मतलब एक तरह से हुआ कि मीडियम ये डिसाइड कर सकता है कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स कितना ज्यादा लग सकता है या फिर कितना कम लग सकता है। इट मींस कि जिस मीडियम के अंदर ये पार्टिकल्स बहुत कम होंगे तो वो बहुत कम फोर्स लगाएंगे, और उस मीडियम में उस एक चार्ज दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो बहुत थोड़ा सा ही रिड्यूस होगा, बहुत थोड़ा कम होगा। यानी कि जिस मीडियम में ये पार्टिकल जितने ज्यादा होंगे उस मीडियम में ये फोर्स उतना ही कैसा होगा, कम, और जिस मीडियम में ये पार्टिकल जितने कम होंगे उस मीडियम में ये फोर्स उतना ही कैसा लगेगा, ज्यादा। सोचिए एक ऐसा मीडियम जिसमें ऐसे कोई पार्टिकल हो ही ना, पूरा मीडियम ही खाली हो, कुछ मौजूद ही ना हो, तो आप बोलोगे सर ये मीडियम बिल्कुल ही खाली है, इसके अंदर तो कोई पार्टिकल नहीं है, यानी कि पूरे का पूरा जो स्पेस है जिसमें ये चार्जेस रखे हैं वो एकदम फ्री है। इसका मतलब वो स्पेस जो बिल्कुल ही फ्री है, इसीलिए उसका नाम क्या रख दिया गया, दैट इज कॉल्ड फ्री स्पेस। और ऐसी जगह आप लोगों को अच्छी तरह से पता है, दैट इज कॉल्ड वैक्यूम। इसका मतलब वैक्यूम में कोई भी पार्टिकल मौजूद नहीं होते, इसलिए ऐसा कोई पार्टिकल नहीं होता, कोई चार्ज नहीं होता, कोई बॉडी नहीं होती जो इसके ऊपर फोर्स लगा के इसके फोर्स को कम कर सके। इसलिए वैक्यूम के अंदर ना बिल्कुल भी कोई भी चीज नहीं होती जो इस फोर्स को रिड्यूस कर सके। इट मींस दैट कि जिस मीडियम में पार्टिकल होंगे ही उसके अंदर एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर सबसे ज्यादा फोर्स अप्लाई कर सकता है, यानी कि उस मीडियम के अंदर ना दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, बिल्कुल मैक्सिमम। इट मींस कि अगर टीचर आपसे वाइवा के दौरान ये सवाल पूछे कि फाइंड द मैक्सिमम फोर्स बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन्स सेपरेटेड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 meter, तो आप समझ लेना कि मैक्सिमम फोर्स अगर मुझे निकालना है तो मुझे अपने आप ही इनका मीडियम जो है वो क्या लेना पड़ेगा, फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम या फिर एयर भी ले सकते हैं। तो उनमें ना फोर्स जो लगेगा वो मैक्सिमम लगेगा, क्यों, क्योंकि वहां कोई पार्टिकल मौजूद नहीं है। अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि फ्री स्पेस समझ में आ गया, फ्री स्पेस मतलब वो स्पेस जो खाली होता है, खाली स्पेस जो है वो है वैक्यूम। फिर फ्री स्पेस को आप बोल रहे हो वैक्यूम भी फ्री स्पेस होता है, एयर भी फ्री स्पेस होता है, लेकिन एयर तो खाली नहीं होता, उसमें तो बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। तो अगर एयर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं वो खाली नहीं होता, अगर एयर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं और वो खाली नहीं होता एयर, तो जाहिर सी बात है फिर एयर को आप लोग फ्री स्पेस में क्यों इंक्लूड करते हैं, इसके पीछे की वजह क्या है। मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि एयर के पीछे का लॉजिक क्या है, मैं अभी आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि मीडियम बदलने से ना एक दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स भी बदल जाता है। तो ये कहा जाता है कि फ्री स्पेस यानी कि वैक्यूम या फिर एयर के लिए जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 × 10⁻²⁻¹
पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और यहां पर आ गया कूलम स्क्वायर। ये वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की, किसके लिए? वैक्यूम के लिए, उसके अंदर बिल्कुल भी पार्टिकल नहीं होते, इसलिए वैक्यूम के लिए ये वैल्यू सबसे कम होती है। और सबसे कम वैल्यू होने की वजह से ना फोर्स ना सबसे ज्यादा लगता है, इसीलिए तो कहा था 1/4πε0 Q1 Q2/r2। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जितनी कम होगी मीडियम में फोर्स उतना ही ज्यादा लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पानी की बात करें तो पानी में तो बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, इस तरह का फिनोमेना बहुत ज्यादा होगा उसके अंदर। इसका मतलब पानी के अंदर ना फोर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगी। और जब साइंटिस्टों ने चेक किया तो पता चला कि फोर्स की वैल्यू ना उसमें कितने टाइम्स कम हो जाती है, 81 टाइम्स कम हो जाती है, या यूं मान लीजिए कितने टाइम्स कम हो जाती है, 80 टाइम्स फोर्स रिड्यूस हो जाता है। तो ये इसके पीछे का लॉजिक था। अभी एक चीज मैं आपको और समझाता हूँ। इसका मतलब अगर कोई पूछे एप्सिलॉन नॉट की सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, तो ये जी सबसे छोटी वैल्यू है, इससे छोटी नहीं हो सकती। कोई भी मीडियम लोगे दुनिया का ना, तो उसकी वैल्यू इससे हमेशा कैसी आएगी, ज्यादा ही होगी, क्योंकि वैक्यूम सबसे खाली है, उससे खाली कोई और मीडियम हो ही नहीं सकता। बाकी जितने भी मीडियम आप लोगे ना, उनमें कुछ ना कुछ पार्टिकल्स मौजूद होंगे ही होंगे। अब मैं आपको ना इसके पीछे का लॉजिकल रीजन समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। हमने तो इसको वैसे कैलकुलेट किया, सुनो। अब बात ये आती है, ये टर्म जो लिखी है ना 8.85 × 10⁻¹2, ये बड़ी अजीब सी टर्म है, अजीब सा नंबर है। अब हम जानते हैं कि दो चार्जेस अगर आप रख के किसी मीडियम में फोर्स नापते हो, तो फोर्स के लिए हर मीडियम का आपको क्या पता होना चाहिए, एप्सिलॉन परमिटिविटी पता होनी चाहिए हर मीडियम की। अब यार इतने सारे मीडियम है, इतने सारे मीडियम की परमिटिविटी याद रखना, याद करना, ये थोड़ा मुश्किल काम है, हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो हमने एक तरीका निकाला कि हम ना इतने सारे मीडियम की अलग 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 परमिटिविटी याद ना रखें। ऐसा करने के लिए एक सिंपल रास्ता निकाला है कि इतनी सारे मीडियम की अलग अलग परमिटिविटी ना याद रखनी पड़े। तो उन्होंने क्या रास्ता निकाला कि हम ना कुछ और तरीके से ना इनको याद रखने का एक लॉजिक देखते हैं, क्या है सुनिए। मान लीजिए इन्होंने कहा कि हम ना सिर्फ एक मीडियम की परमिटिविटी याद कर लेते हैं, किसकी, वैक्यूम की या फ्री स्पेस, और बाकी मीडियम की परमिटिविटी ना इसकी मदद से ही निकाल लेंगे। कैसे? मान लो, जैसे ध्यान से समझिएगा, सपोज कर लो एयर की जो या फ्री स्पेस की परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट है, किसी दूसरे मीडियम की परमिटिविटी कितनी है, एप्सिलॉन। सपोज कर लेते एक पल के लिए, मैं ये बात मान रहा हूं, ऐसा है नहीं, मैंने मान लिया कि एयर या फ्री स्पेस की परमिटिविटी कितनी है, 2 है, इसकी वैल्यू कितनी है, 2, और किसी दूसरे मीडियम की जो परमिटिविटी है वो कितनी है, दैट इज 20। तो आप सिंपल वे में ये बोल सकते हैं, एक आप सिंपल तरीके से ये कह सकते हैं कि भाई एयर की जो परमिटिविटी है वो तो 2 है, और मीडियम की जो परमिटिविटी है वो किसी मीडियम की कितनी है, 20 है। तो मैं आपसे बोलूं किसकी परमिटिविटी ज्यादा है, आप बोलोगे सर इस वाले मीडियम की। क्यों ज्यादा है? क्योंकि इसकी वैल्यू 20 है, और इसकी कम है क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है, 2। मैं आपसे पूछूं कितनी ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इसकी परमिटिविटी इस वाले मीडियम से 10 टाइम्स कैसी है, ज्यादा, 10 गुना ज्यादा है। ये जो 10 गुना आप ज्यादा देख रहे हैं ना, इसी 10 गुना ज्यादा वाले नंबर को, इसी नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन आर, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। क्यों बोलते हैं, सुनिए ध्यान से। मैं आपसे पूछूं कि भाई इसकी परमिटिविटी इससे ज्यादा है, कितनी ज्यादा, आपने बोला 10 गुना ज्यादा। मैंने कहा कैसे पता तुम्हें ये 10 गुना ज्यादा है, आप बोलोगे सर आप एक काम करो, इस 20 को ऊपर रख लो और इस वाले 2 को कहाँ रख लो, नीचे, और दोनों को डिवाइड कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा कि ये वाली वैल्यू जो है वो इससे 10 गुना ज्यादा है। तो मैंने यही काम किया कि इसकी परमिटिविटी को ऊपर रखा, मतलब किसे ऊपर रखा, एप्सिलॉन को, और नीचे किसको रखा, एयर की परमिटिविटी को या फ्री स्पेस की परमिटिविटी को, यानी कि नीचे रखा एप्सिलॉन नॉट, और डिवाइड करने पर जो आंसर आया उसी आंसर को बोल दिया एप्सिलॉन आर, या फिर क्या बोल दिया, के, और इसी को बोलने लग गए रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। मतलब रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एक नंबर है, एक ऐसा नंबर जो हमें यह बताता है कि कोई भी मीडियम फ्री स्पेस के कंपैरिजन में कितने गुना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू है उसकी, या फिर कितने टाइम्स ज्यादा उसकी परमिटिविटी है विद रिस्पेक्ट टू द फ्री स्पेस। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक मीडियम है, उसकी रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू 5 है, तो अब आप समझ जाएंगे कि जरूर उस मीडियम की परमिटिविटी ना फ्री स्पेस वाली परमिटिविटी से कितने टाइम्स ज्यादा है, 5 गुना ज्यादा। ये मीनिंग होता है रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का।
और इसी चीज को रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ना बोलने के बजाय आप इसे डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भी कह सकते हैं. दिस इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट. इट मीन्स कि अगर किसी मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 2 है तो समझ लेना कि उस मीडियम की जो परमिटिविटी है ना वो फ्री स्पेस के कंपेरिजन में कैसी है, दुगनी है, या फिर यूं कहिए कि वो उससे डबल है, ट्वाइस है. तो इस चीज को अगर आप देखें तो आप यहां से आराम से पता भी कर सकते हैं. ये बात जो मैं आपको बता रहा हूं वो यहां से साफ साफ नजर भी आ रही है. क्या कि एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, इसके नीचे वन रखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इनटू में एप्सिलॉन नॉट. तो देख लीजिए खुद ही क्या कि आप फ्री स्पेस की परमिटिविटी को रिलेटिव परमिटिविटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मीडियम की परमिटिविटी मिल जाएगी. ये है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, इसका फिजिकल मतलब. मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको कराता हूँ. ये एग्जाम्पल मैंने नोट्स में भी लिखा हुआ है. क्या सवाल ऐसे है कि अगर किसी मीडियम के डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू 2 है तो बताइए उस मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की वैल्यू क्या होगी. तो आप सीधा सीधा बोल सकते हैं, एज जैसा कि हम जानते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जो होता है वो किसके बराबर है, एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के बराबर. ये लिखिए या फिर ये लिख दीजिए किसके बराबर है, के के बराबर. और अगर आप यहां से इस के की जगह अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू में एप्सिलॉन नॉट. व्हाट इज योर के, के की वैल्यू है 2 और एप्सिलॉन नॉट आप लोगों के पास ये रहा. आप इसे लिखेंगे 8.85 इंटू 10^-12, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा. इसका मतलब है इस तरह से आप परमिटिविटी या डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कैलकुलेट, सो अगर आपको पता है तो किसी मीडियम की परमिटिविटी एब्सोल्यूट परमिटिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो फिर हमने किया क्या, हमने ना अब ना सभी मीडियम्स की अलग अलग परमिटिविटी ना निकालने के बजाय बस उनकी रिलेटिव परमिटिविटी निकालनी शुरू कर दी, या यूं कहिए कि डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट निकालना शुरू कर दिया. तो हमारे हमारी बुक के अंदर या हमारे जो टॉपिक है उनके अंदर ना कुछ चीजों के डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कभी कभी जरूरत पड़ेगी. ज्यादातर होता क्या है कि जब न्यूमेरिकल से सवाल होते हैं ना तो ज्यादातर टीचर्स क्या करते हैं, सवालों में इनकी वैल्यू दे देते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इसका इतना है या रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी दी जाती है. तो हमें वैसे ये ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, बट कुछ चीजें हैं जिनको ध्यान रखें तो ज्यादा बेटर है. जैसे अगर हम बात करते हैं वैक्यूम के लिए, और वैक्यूम अगर हम बात करते हैं वैक्यूम के लिए तो वैक्यूम के लिए डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू कितनी मिलती है, 1. इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं एयर के लिए, मैंने यहां पर लिख दिया दैट इज फॉर एयर, एयर की वैल्यू देखी जाए तो होती है 1.0054. कई जगह 1.006 लिखा है, कई जगह 1.0055 लिखा हुआ है. तो आपको इतना ज्यादा नहीं सोचना इसके बारे में कि वैल्यू क्या है, लेकिन अगर दोनों को देखा जाए तो दोनों की जो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू है वो लगभग लगभग कैसी है, बिल्कुल सेम ही है, काफी हद तक सेम है. इस वजह से इसको हम फ्री स्पेस बोलते हैं, और इतनी ही वैल्यू एयर की भी है, इसलिए हमने इन दोनों को ही इकट्ठा ही क्या बोलना शुरू कर दिया, फ्री स्पेस. इसी वजह से चाहे एयर हो या फिर वैक्यूम है, हम दोनों को ही क्या बोलते हैं, फ्री स्पेस, क्योंकि दोनों की रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू जो है वो लगभग लगभग कैसी है, सेम है, ऑलमोस्ट सेम है. अगर मैं ग्लास की बात करूं तो अगर जैसे ग्लास होता है कांच की बात कर रहे हैं तो ग्लास के लिए जो के की वैल्यू होती है वो लगभग 3 से लेकर के कहां तक होती है, 4 तक होती है. और इसके अंदर अगर मैं बात करता हूं वाटर की, दैट इज वाटर, पानी की बात कर रहे हैं, ज्यादातर लोग पानी का ही इस्तेमाल करते हैं डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का सवाल देने के लिए, वाटर का ज्यादा यूज किया जाता है. तो उसकी वैल्यू ना कई कई जगह पर 80 लिखी हुई है और कई कई जगह पर लिखी हुई है 81. तो आप 80 या 81 कोई भी यूज कर लेना, लेकिन वो सवाल में दिया जाएगा, बताया जाएगा. बाकी 81 ज्यादातर यूज किया जाता है, लेकिन कहीं कहीं 80 भी होती है. इसके अलावा अगर हम मेटल्स की बात करें, मेटल्स तो मेटल्स के डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू होती है इनफाइनाइट. इसका रीजन है, और वो रीजन आप आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ोगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में हमें मेटल को अच्छे से पढ़ना है, स्टडी करना है, इसकी सारी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करनी है, और इन सबका मतलब आपको मैं समझाऊंगा कि आखिर डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इनफाइनाइट होने का क्या मतलब है. ये सारी चीजें मैंने नोट्स में लिखी हुई है, नोट्स अभी मैं ग्रुप के अंदर डाल दूंगा, आप वहां पर आराम से इन चीजों को देख सकते हैं. तो ये आप लोगों के लिए चीजें एकदम क्लियर नहीं. अब एक चीज और सुनिए ध्यान से. अब हमें ये समझ में आ गया कि हाँ भाई मीडियम अगर बदलेगा ना तो दो चार्जेस के बीच का फोर्स भी बदल जाएगा, और बदलने का मतलब वो कम ही होगा. सबसे ज्यादा फोर्स अगर लगेगा दो चार्जेस के बीच में कहीं पर तो वो लगेगा वैक्यूम में, फ्री स्पेस में या एयर में. बाकी उसके अलावा तुम दुनिया का कोई भी मीडियम ले लो,
कोर्स कम ही होना है, क्योंकि वैक्यूम जितना खाली है उतना खाली और कोई मीडियम हो ही नहीं सकता। उसमें कम पार्टिकल हो ज्यादा हो लेकिन पार्टिकल होंगे और फोर्स को रिड्यूस करेंगे ही करेंगे। तो अगर कोई आपसे ये कहे कि भाई आप लोगों को ना वैक्यूम में या फ्री स्पेस में बता दे कि दो चार्जेस के बीच में इतना फोर्स लग रहा है, अब मैंने उन दोनों चार्जेस को उठा करके उतने ही डिस्टेंस पर किसी और मीडियम में रख दिया, बताओ जरा उस मीडियम में कितना फोर्स लग रहा है। तो आप उसके लिए एक सिंपल सा काम कीजिए, इस चीज को देखिए, F नॉट अपॉन F। तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया, F नॉट अपॉन में F m, ये किसके बराबर है, K के बराबर। K मतलब डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के बराबर है, ये चीज आप लोग देख रहे हैं। F नॉट अपॉन F m, तो F नॉट क्या है, एयर में लगने वाला फोर्स, और F m क्या है, मीडियम में लगने वाला फोर्स। तो आप यहां से कैलकुलेशन करके F m को ऊपर ले आइए, K को नीचे ले आइए। तो आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं F m इज इक्वल टू में F नॉट अपॉन में K। का मतलब ये हुआ कि अगर आपको एयर में दो चार्जेस के बीच का फोर्स पता है और आपने उसे किसी मीडियम में डाल दिया जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, और आपको वहां पर पता करना है कि कितना फोर्स लग रहा है, तो बस उन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को उस मीडियम के डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर दीजिए, आपको उस मीडियम में लगने वाले दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स पता चल जाएगा, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं आप लोगों को, यहां पर मैं इसे रब कर रहा हूं, एक सवाल देखिएगा छोटा सा। सवाल ये है, मैंने ये नोट्स में डाल रखा है क्वेश्चन, कि इफ द फोर्स बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस इन फ्री स्पेस एयर और वैक्यूम इज 16.2 न्यूटन। कह रहे कि हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, उन दोनों पॉइंट चार्जेस को हमने किसी डिस्टेंस पर रखा हुआ है, और वो दोनों के दोनों पॉइंट चार्जेस हमने फ्री स्पेस में रखे हैं, और उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 16.2 न्यूटन। तो ये बताइए, अगर मैं इन्हीं दोनों चार्जेस को इतने ही डिस्टेंस पर वाटर में रख दूं, तो ये मुझे बताइए कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन द सेम टू चार्जेस सेपरेटेड थ्रू द सेम डिस्टेंस इन वाटर, तब वो फोर्स कितना लगेगा। तो आप सीधे तौर पर लिख सकते हैं, सर हम जानते हैं कि फोर्स जो है किसी भी मीडियम में निकालना हो तो आप फ्री स्पेस में लगने वाले फोर्स को डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट से डिवाइड कर दीजिए। और अभी अभी मैंने W स्टैंड फॉर वाटर, वाटर के लिए K की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई, 81। तो आप F नॉट की वैल्यू उठाइए कितनी है, 16.2, और यहां पर K की वैल्यू रखिए, दैट इज 81, इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0.2 न्यूटन। तो अब आपको समझ में आ गया कि जिन चार्जेस के बीच में फ्री स्पेस में 16.2 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, अगर उन्हीं चार्जेस को मैंने पानी में डाल दिया उतने ही डिस्टेंस पर, तब उनका फोर्स ना कितना रह गया, 0.2 न्यूटन। इसका मतलब ये जो फोर्स है वो कितने टाइम्स कम हो गया, 81 टाइम्स फोर्स जो है वो रिड्यूस हो चुका है। इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ये भी बताता है कि किसी मीडियम में अगर मैं दो चार्जेस को वैक्यूम से उठा करके रख दूं तो उस मीडियम में वो फोर्स जो है उन दोनों के बीच का कितने गुना रिड्यूस हो जाएगा। मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो मैंने आपसे कहा कि मेरे पास ना दो पॉइंट चार्जेस हैं और उनको मैंने फ्री स्पेस में रखा था कुछ डिस्टेंस पर, उनके बीच में 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, और मैंने उन दोनों को उठाया और किसी अननोन मीडियम में रख दिया, ऐसे मीडियम में जिसके डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 5। तो आप बता सकते हैं आराम से कि उस मीडियम में फोर्स अब कितना रह जाएगा, पहले 100 लग रहा था, अब आपने जिस मीडियम में रखा है वहां का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है, कितना हो जाएगा, बिल्कुल सही, 20। इसका मतलब आपको ना इसका फिजिकल मतलब समझ में आ गया कि किसी मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा उस मीडियम में चार्जेस के बीच का फोर्स उतना ही ज्यादा कैसा लगेगा, कम लगेगा। यानी कि जितनी ज्यादा वैल्यू होगी ना डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की, फोर्स उतना कम लगेगा। मैंने यहाँ पे अभी अभी लिखा था मेटल्स के लिए K कितना होता है, इनफाइनाइट। इसका मतलब ये हुआ कि K की वैल्यू जितनी ज्यादा, फोर्स उतना कम, इसका मतलब है मेटल के लिए वैल्यू इनफाइनाइट। इसका मतलब इस केस में अगर देखा जाए तो फोर्स लगेगा कितना बिटवीन द चार्जेस, 0 फोर्स लगेगा। लेकिन अभी मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि ये एक अलग से टॉपिक है जो अगले चैप्टर में शुरू होगा, और तब जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब हम इसके बारे में पूरी एक सिंगल क्लास में डिस्कस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मेटल्स के बारे में। ये हमारा सिलेबस है तो ये चीज मैं तब के लिए छोड़ रहा हूँ कि उसकी के की वैल्यू इनफाइनाइट क्यों हो जाती है, फोर्स 0 क्यों हो जाता है, इसके पीछे की वजह क्या है, ये सारी चीजें। तो नाउ अब मुझे ऐसा लगता है कि आपको बिल्कुल क्लियर है कि रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन सब का क्या मतलब होता है और कैसे मीडियम के ऊपर ना चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्सेस डिपेंड करते हैं। ये सारी चीजें आप लोगों के नोट्स में लिखी है, आप वहां से इन चीजों को देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो फिर अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं।
ठीक है जी, मैं इसे अब रख कर रहा हूँ और अब हम स्टार्ट करते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक, और ये आज की क्लास का आखिरी टॉपिक होगा, और इस टॉपिक के बाद फिर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे आज फिर दोबारा, और नेक्स्ट क्लास में भी जब मैं अगली भी क्लास में मैं न्यूमेरिकल्स ही स्टार्ट करूँगा, ठीक है न्यूमेरिकल्स। अब हम कूलम्स लॉ से रिलेटेड जो टॉपिक था उसका ये सबसे लास्ट पार्ट डिस्कस कर, इस आखिरी पार्ट के बाद कूलम्स लॉ से रिलेटेड सारी बातें मैं कर चुका, इसके बाद जो नया टॉपिक शुरू होगा वो बिल्कुल ही अलग होगा, अलग मतलब इसी को यूज करके आगे ये टॉपिक सीखेंगे, लेकिन कूलम्स लॉ यहाँ पे फिनिश है, मैंने उसके बारे में सब कुछ बता दिया। अब हम ना एक आगे के टॉपिक पर आते हैं, दैट इज उसका नाम है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, और इसी के साथ ब्रैकेट में आप अगर लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, या बोल सकते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये है क्या, ये कोई ऐसी चीज नहीं, पेपर वेपर में नहीं पूछी जाती, एग्जाम में ये कोई नहीं पूछता कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, लेकिन हाँ हमें यूज करना है इसलिए हमें पता होना चाहिए, ताकि जब हम इसको यूज करें तो हम लिख सके कि जी मैंने इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके इस चीज का जवाब दिया। देखिए कूलम ने ना क्या बताया कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगेगा, वो आप लोगों को सभी को पता है। मैं आपको बताने वाला हूं फोर्स बिटवीन द मल्टीपल चार्जेस, मतलब अगर किसी जगह पर एक साथ बहुत सारे चार्जेस मौजूद हैं और उन सारे चार्जेस में से किसी एक चार्ज पर सारे के सारे चार्जेस फोर्स लगाएंगे, इसी एक चार्ज पर पहला भी लगा रहा है, दूसरा भी लगा रहा है, तीसरा भी लगा रहा है, चौथा भी लगा रहा है, और मैं चाहता हूं कि इस एक चार्ज के ऊपर टोटल सबसे जितना फोर्स लग रहा है वो मैं निकाल सकूं, तो इसके लिए ना एक प्रिंसिपल हमारी किताब में दिया हुआ है जिसे हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो आप समझ गए होंगे कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या चीज है, मतलब ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसकी मदद से हम बहुत सारे चार्जेस की वजह से किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पर लगने वाला टोटल या नेट फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ये प्रिंसिपल इस चीज के लिए। अब ये प्रिंसिपल क्या है मैंने अभी नहीं बताया, अब मैं बता रहा हूँ कि ये प्रिंसिपल क्या है, लेकिन मैंने ये बता दिया कि ये प्रिंसिपल क्या करता है, क्यों हम पढ़ रहे हैं, सुनिए ध्यान से, टोटल फोर्स निकालने के लिए। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि अगर किसी भी जगह पे या कहीं पर भी बहुत सारे चार्जेस प्रेजेंट हैं, दो से ज्यादा चार्जेस प्रेजेंट है, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, दस भी हो सकते हैं, और उन सभी चार्जेस की वजह से आप किसी एक पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर नेट फोर्स अगर निकालना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, सभी अलग अलग इंडिविजुअल चार्जेस का अलग अलग फोर्स कैलकुलेट कीजिए कूलम्स लॉ की मदद से, और फिर उन सभी फोर्सेस का वेक्टर सम निकाल दीजिए और आपको उसके ऊपर लगने वाला टोटल फोर्स मिल जाएगा। ये जो बात मैंने अभी आप लोगों को बताई, अपने माउथ से जो बात मैंने बोली, बस इतनी सी बात को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। सुनिए ध्यान से, ये वेक्टर सम का मतलब ये है कि फोर्सेस को जोड़ते वक्त आप डायरेक्शन का जरूर ध्यान रखेंगे, अगर दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में तो आप उन्हें ऐड करिएगा, अपोजिट डायरेक्शन में तो आप उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर उन दोनों फोर्सेस के बीच में कोई एंगल बन रहा है, तब आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था 11th क्लास के अंदर, वो था कि रिजल्टेंट फोर्स निकालने का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab इनटू में cos थीटा, आप इसका इस्तेमाल करेंगे। तो बस इतनी सी बात को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मैं इस बात को थोड़ा ठीक से क्लियर कर रहा हूँ, सुनिए ध्यान। मान लीजिए आपके पास यहाँ पर सपोज कर लीजिए एक सिस्टम है, उसमें कई सारे चार्जेस हैं, ये रहा Q1, एक दूसरा चार्ज मान लीजिए यहाँ पर मौजूद है दैट इज Q2, तीसरा चार्ज यहाँ मौजूद है Q3, एक चार्ज इस जगह पर मौजूद है Qn, मान लीजिए n नंबर ऑफ चार्जेस मौजूद है, और यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है, सपोज कर लेते ये वाला जो चार्ज है वो है Q0 चार्ज है, जीरो को बोलते हैं Q0 चार्ज है, और मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 बहुत सारे चार्जेस हैं, ये लास्ट वाला चार्ज कौन सा है, तो मुझे ये पता करना है कि इसके ऊपर टोटल कितना फोर्स लगेगा। तो आप एक काम कीजिए, पहले आपको यहाँ से यहाँ तक के बीच का क्या दिया जाएगा, डिस्टेंस, या मान लीजिए आपको इसका डिस्टेंस या पोजीशन वेक्टर दे दिया कितना r1। सपोज कर लो ये सारे सिमिलर चार्जेस हैं, तो ये पहला चार्ज इस वाले चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा, सपोज कर लीजिए इसमें जो फोर्स लगाया उसका क्या नाम दे दिया मैंने f1। इसी तरीके से ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये वाला फोर्स जो लगाएगा वो कितना लगाएगा f2। इसी तरह से ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये जो फोर्स लगाएगा वो कौन सा है f3। इसी तरह से ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये जो फोर्स लगाएगा वो वाला कौन सा है fn। ऐसे सारे के सारे चार्जेस इसके ऊपर अपना अपना फोर्स लगाएंगे। आप कूलम्स लॉ की मदद से f1 निकालिए, f2 निकालिए, f3 निकालिए, f4 निकालिए, और अगर आपको इस Q0 के ऊपर नेट फोर्स कैलकुलेट करना है,
तो मैंने यहाँ पर लिख दिया F naught का मतलब है नेट फोर्स ऑन चार्ज Q naught। तो आपको करना क्या पड़ेगा, पहले चार्ज ने इसके ऊपर कितना फोर्स लगाया प्लस दूसरे चार्ज ने इसके ऊपर कितना फोर्स लगाया प्लस तीसरे चार्ज ने इसके ऊपर कितना फोर्स लगाया और लास्ट में आखिरी चार्ज ने इसके ऊपर कितना फोर्स लगाया, इन सभी का वेक्टर सम आप ले लेंगे ना तो आपको इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स मिल जाएगा। बस इसी स्टेटमेंट को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इट मींस के प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट्स दैट द नेट या फिर द टोटल चार्ज एक्टिंग ऑन अ पर्टिकुलर चार्ज ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस इज गिवन बाय द वेक्टर सम ऑफ द ऑल the vector sum of the individual forces exerted by the all other charges, यानी कि सभी अलग अलग charges से लगने वाले जो individual forces हैं, उन सभी का vector sum अगर आप लेंगे तो आपको इस body के ऊपर इस charge के ऊपर लगने वाला total force मिल जाएगा। एक चीज और याद रखिएगा, इन दोनों के बीच में लगने वाला force F1, इस force के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा अगर यहाँ Q2 present हो या ना हो। इसके होने या ना होने से इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कोई के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब यह हुआ दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स ना बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं होता किसी तीसरे चार्ज के प्रेजेंट रहने या उसके ना रहने से। यानी कि यह चार्ज रहे या ना रहे, इन दोनों के बीच का फोर्स आपको निकालना है तो वो वही रहेगा F इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू नॉट अपॉन में आर का स्क्वायर। दैट्स इट, बस इतनी सी बात को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। ये है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं एक न्यूमेरिकल करा रहा हूं इसके ऊपर, फिर हम अगली क्लास में बाकी चीजें करें। वो आपने जो फॉर्मूला लिखा था कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, इसलिए था सर। भाई आपने 11th क्लास में नहीं पढ़ी फिजिक्स का, क्या नाम है आपका? ये तो पढ़ा हुआ है सर फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे कैसे यूज हुआ सर? अभी यूज नहीं हुआ, अभी तो खाली मैंने बस लिखा है इस चीज को, मैंने अभी इस चीज को लिखा हुआ है, मैं अभी उस फॉर्मूले का ना अभी यूज करने जा रहा हूँ उसके अंदर। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा बेसिक बात है, ये 11th क्लास में सबको पता हो नीचे कि वो फॉर्मूला कहाँ यूज होता है, लेकिन मैं एक सवाल कर रहा था आपको उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है सर, वेक्टर सम के लिए होता है वो तो पता था। हाँ नहीं कोई नहीं, अभी समझ में आएगा कैसे यूज होगा। मैं यहाँ पे करा दू, इसी से रिलेटेड एक सवाल करा दू, सुनिए ध्यान से। कोई नहीं, देखिए सर, सपोज कर लीजिए एक बेसिक सा क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए ये आपके पास एक ट्राइंगल है, सपोज कर लीजिए एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की हर साइड तीन तीन मीटर की है। सपोज कर लीजिए 3 मीटर सारी साइड है इसकी, तीन तीन मीटर की इसकी हर साइड है। अब इस जगह पर यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है, सपोज कर लेते हैं वो है प्लस 2 माइक्रोकूलम। यहां पर एक और चार्ज रखा है दैट इज माइनस 2 माइक्रोकूलम। इस जगह पर एक और चार्ज रखा है दैट इज माइनस 2 माइक्रोकूलम। अगेन देख लेना भाई, जो अभी पूछ रहे थे ना आपको समझ में आ जाएगा, नहीं होगा तो क्लास के बाद मुझे कॉल कर लेना, मैं फिर समझा दूंगा, या मैसेज कर लेना, मैं बता दूंगा आपको, कोई बात नहीं, इससे कुछ नहीं होता। सुनिए आप ध्यान से, अब यहां पर ना तीन चार्जेस है, प्लस का 2 माइक्रोकूलम, माइनस 2 माइक्रोकूलम, माइनस 2 माइक्रोकूलम। मैंने यहाँ पर जानबूझ करके ना नंबर और डिजिट ना बड़े आसान लिए हैं, क्योंकि मैं अपना टाइम ना कैलकुलेशन में ही बर्बाद करना चाहता, मैं सिर्फ चाहता हूँ आपको ये चीजें ढंग से समझा दूं। भाई किसी का माइक ओपन रह गया, अपना माइक क्लोज कर लीजिए, सुनिए ध्यान से। अच्छा, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो आप जानते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 60 डिग्री। अब मेरा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है कि आखिर नेट फोर्स कितना लगेगा, क्वेश्चन मार्क का मतलब है इस वाले चार्ज के ऊपर कितना नेट फोर्स लगेगा। दिस इज द क्वेश्चन, आपको दिखेगा ना? मैं बोल रहा हूं सर, द लाइट दिख नहीं रहा। ओके ओके, यहां तक तो ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं कि मुझे आपको ये बताना है कि नेट फोर्स कितना लगेगा किस चार्ज के ऊपर, इस वाले चार्ज के ऊपर। दिस इज द क्वेश्चन अब क्लियर है, तो नेट फोर्स बताना है इसके ऊपर। अच्छा, आप एक बात सुनिए, यहां पर टोटल चार्जेस कितने मौजूद हैं, 3। इसका मतलब है इस चार्ज के ऊपर ये भी फोर्स लगाएगा, इस चार्ज के ऊपर ये भी फोर्स लगाएगा। वैसे तो देखा जाए इसके ऊपर ये भी फोर्स लगाएगा, इसी के ऊपर ये भी फोर्स लगाएगा, मतलब सभी एक दूसरे के ऊपर क्या अप्लाई करेंगे फोर्स। लेकिन मैंने सबकी तो बात करी नहीं, मैंने बोला बस खाली इस पे बता दो कितना फोर्स लगेगा। तो आप बोलोगे सर इसके ऊपर तो ये भी फोर्स लगाएगा, इसके ऊपर ये भी फोर्स लगाएगा, और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि सभी फोर्सेस का वेक्टर सम ले लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो मैंने सोचा पहले सबका अलग अलग फोर्स निकाल देता हूं, फिर उनका वेक्टर सम ले लूंगा आराम से। तो मैंने यहां से शुरुआत की, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैंने ना यहां पर लिख दिया क्या, F1।
सपोज कर लीजिए ये नेगेटिव चार्ज, सपोज क्या करना है, तो है ही नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज इस वाले पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और जो फोर्स लगाएगा वो फोर्स मैंने मान लिया कितना F1 फोर्स लगाएगा इस तरीके से, और इसी पॉजिटिव चार्ज को ये वाला नेगेटिव चार्ज भी अट्रैक्ट करेगा और मान लीजिए ये वाला जो फोर्स है इस वाले फोर्स को मैंने कितना मान लिया, सपोज दिस फोर्स इज F2, तो आपको F1 और F2 निकालना है। चलिए मैंने सोचा चलो मैं पहले F1 निकालता हूँ, तो F1 अगर मुझे निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 Q2 upon R square, तो K आप जानते हैं कितना होता है 9 × 10⁻¹, Q1 × Q2, Q1 की वैल्यू है 2 μm, के लिए मैंने बताया था 10⁻¹, फिर Q2 की वैल्यू दोबारा से 2 × 10⁻¹, और अपॉन में डिस्टेंस कितना है R, R की जगह पर मैंने क्या रख दिया K² और मैंने आपको ये बात पहले ही बताई थी कि फॉर्मूले के अंदर कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, सिर्फ वैल्यूज रखनी है मैग्नीट्यूड में, तो ये रहा K Q1 Q2 upon R square, ये फोर्स F1 निकल रहा है। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो 9 से 9 क्या हो गया कैंसिल, 2 × 2 = 4, तो ये रहा 4 × 10⁻¹ और -6 हो गया 10⁻¹, और ये रहा इंटू में 10⁻⁹, तो आप इसे लिखेंगे 4 × 10⁻³ N, तो आप ये बोल सकते हैं सर पहले वाले चार्ज से सॉरी इसकी वजह से इसके ऊपर जो फोर्स F1 लग रहा है वो इतने न्यूटन का लग रहा है। अब इतने न्यूटन का ये फोर्स लग रहा है, अब मैं ये चाहता हूं कि ना यहां से इसके ऊपर ये वाला चार्ज कितना फोर्स लगा रहा है, लेकिन अगर आप खुद सोचो ना यार इसके ऊपर ये चार्ज कितना फोर्स लगा रहा है, Q1 Q2 upon R square सेम ही तो है सब कुछ, इसका मतलब यही कैलकुलेशन दोबारा ना करने के बजाय मैं इसे ही मिटा करके इसी को यहां पर क्या लिख देता हूं F1 बराबर लिख देता हूं F2, इसका मतलब ये हो गया कि F1 और F2 दोनों के ही जो फोर्सेस लग रहे हैं वो कैसे लग रहे हैं, बिल्कुल सेम लग, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और हम चाहें तो एक काम ये भी कर सकते हैं कि दोनों ही फोर्सेस सेम है, तो मैं इसको अगर चाहूं तो यहां लिख देता हूं इक्वल टू में, या इसके साथ ब्रैकेट में मैंने यहां पर लिख दिया लेट, इसी चीज को मैंने क्या मान लिया F, मैं ऐसे लिख देता हूं इसको कि इस तरह से मैंने लिख दिया लेट F1 बराबर है F2 बराबर है F बराबर है 4 × 10⁻³ N, ये अलग है, तो इसका मतलब F1 और F2 को दोनों को F मान लिया और इतना फोर्स लग रहा है इसके ऊपर। अब मुझे चाहिए नेट फोर्स, तो आप सुनिए जरा ध्यान से, मैंने यहां पर लिख दिया नेट फोर्स ऑन चार्ज +2 μC, इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा, तो वो जो नेट फोर्स है sir, उस नेट को मैंने एफ डैश बोल दिया, नहीं भाई एफ डैश बोल दिया इस नेट फोर्स को, अगर मैं एफ डैश निकालू तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो फोर्स का फॉर्मूला होता क्या है, a² + b² + 2a × b और इंटू में कॉस ऑफ थीटा, ये चीज अब आपको याद होगी 11th क्लास में, a की जगह F1, b की जगह F2, यानी कि ये रहा F1, F2, ये रहा मेरे पास नेट फोर्स को निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला यूज कर लिया। अब मैं सारी जगहों पे सारी की सारी चीजें डाल देता हूँ इसके अंदर, यहाँ पर मैंने क्या किया रूट की जगह पर रख दिया रूट, अच्छा अगर मैं F1 की बात करूँ तो यार F1 F के बराबर है, F2 भी F के बराबर है, तो मैंने क्या किया F1 की जगह पर भी F लिख दिया, F2 की जगह पर भी F लिख दिया, फिर 2 F1 F2, इसकी जगह पर भी F, इसकी जगह पर भी F, और cos और थीटा की वैल्यू डाल दी 60 डिग्री, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना है 60। आप अगर इसे लिखेंगे तो ये F square कितना हो गया 2F square, और इसको देखेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा दैट इज 2F square, क्योंकि F into F square, और cos 60 क्या होता है 1/2, तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो आप इसे अगर लिखना चाहें तो देखिए जरा ये 2F square और एक F square ये दोनों जोड़ करके कितने हो गए √3F square, और √3F square अगर बाहर आएगा तो आप इसे लिख सकते हैं √3F, क्योंकि स्क्वायर से रूट से बाहर आएगा तो F हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो नेट फोर्स निकल करके आ रहा है वो कितना आ रहा है √3 × F। अब मैंने क्या किया इस √3 की जगह √3 को रखा और F की जगह पर F की वैल्यू डाल दी, और F की वैल्यू मेरे पास कितनी है 4 × 10⁻³, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे और हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा, और इसकी जगह पर लिख देते हैं 1.73 × 4 × 10⁻³, इतने न्यूटन का फोर्स लगेगा, और ये फोर्स मैं यहाँ ऊपर की तरफ इस जगह पर लिख देता हूँ मल्टीप्लाई करके, 4 × 12 = 6.92 × 10⁻³ N, इसका मतलब ये हुआ कि इनके ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा इस वाले चार्ज के ऊपर वो इतना लगेगा 6.92 × 10⁻³ N, और आप जानते हैं कि ये दोनों के दोनों अगर इक्वल फोर्सेज हैं तो जो नेट रिजल्टेंट जाता है, सभी ने पढ़ा होगा इसको,
पैरेललोग्राम लॉ या ट्रायंगल लॉ से भी बता सकते हैं, अगर एक फोर्स इधर लग रहा है एक फोर्स इधर लग रहा है तो नेट फोर्स कहां से लगेगा, बिल्कुल बीच में से, और दोनों फोर्सेस अगर इक्वल है तो आप बोल सकते हैं कि ये वाला जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा 30 डिग्री का, इसका मतलब बिल्कुल बीचों बीच में से लगेगा नेट फोर्स। मैंने नेट फोर्स को एफ डैश से रिप्रेजेंट किया है क्योंकि एफ वन एफ टू को मैंने पहले क्या मान लिया था, एफ। तो ये रहा आपके पास नेट फोर्स, तो इसकी डायरेक्शन भी पता चल गई और ये रहा इस फोर्स का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये जो आपके पास ये जो सवाल है इसे तो आप नोट कर लीजिएगा, मैं इसके जैसे कुछ क्वेश्चंस ना आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, मैं नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस तैयार कर लूंगा, वो क्वेश्चंस मैं अगली क्लास में आप लोगों को दूंगा। लेकिन आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर कितने चार्जेस हैं, तीन, ये चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, छह भी हो सकते हैं और दस भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों को ना एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आपकी किताब का एग्जाम्पल नंबर 1.6 ट्राई करना, एग्जाम्पल नंबर 1.7 ट्राई करना और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.6, ये तीन क्वेश्चंस इन्हीं के ऊपर बेस्ड है, जिनके अंदर ये वाला जो 1.6 है भाई, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 11th क्लास में बिल्कुल हूबहू एज इट इज एक क्वेश्चन था जो मैं आपको करवा चुका हूँ, आप सभी ने करा होगा और वो चैप्टर का ग्रेविटेशन उसमें था, आप खुद देखोगे तो पहचान जाओगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं इस सवाल को जरूर डिस्कस करूंगा, बट आप इन क्वेश्चंस को जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा, अगली क्लास में फिर हम और देखते हैं। और इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये शीट में नहीं है, मैंने नोट्स में नहीं लिखा, इसे आप नोट कर लीजिए खुद ही और उसके बाद फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो या इसे नोट कर लो। सर अगर इसमें थर्ड भी होता चार्ज तो सर इसके लिए फॉर्मूला F1 प्लस F2 F3 नहीं भाई, अगर थर्ड भी चार्ज होता ना तो पहले दो का फोर्स, दो को जोड़ के, दो फोर्सेस को जोड़ के एक फोर्स निकलता, फिर उन दोनों को जोड़, हाँ फिर तीसरा निकलता। ये चीजें 11th क्लास में भी थी, जैसे 11th में हमने किया था ना एकदम वैसे ही करेंगे यहाँ पर। अभी मैं कल आपको चार फोर चार्जेस फाइव चार्जेस तक के क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत ज्यादा चार्जेस नहीं होते, नहीं देते क्योंकि फिर वो सवाल बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, या अगर बहुत सारे चार्जेस का सवाल होगा भी ना तो फिर वो ट्रिकी होगा, फिर वो इतने सारे चार्जेस से नहीं होगा, कोई ट्रिक कोई लॉजिक लगेगा और बहुत छोटे तरीके से हो जाएगा। बहुत ठीक है, कोई नहीं, अब ये आप लोगों को समझ में आ गया, ये चीजें आप नोट कर लो और आंसर लिख लो, बाकी आप खुद भी सॉल्व करके देख सकते हैं चीज को। लेकिन वैसे तो मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा भाई, मैंने ना ग्रुप में ना लिंक डाल रखा है, वो लिंक ना क्लास के बाद, जैसे क्लास होते हैं उसके 2-3 घंटे बाद मैं अपडेट कर देता हूँ उस लिंक को, आप वहां से जाके आज की क्लास की या प्रीवियस क्लासेस की सारी रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हो, वहां पे है मैथ की भी और फिजिक्स की भी। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है, और अगली क्लास में आप लोग पूरा पढ़ के आइएगा शुरू से लेकर आखिर तक का जो अब तक पढ़ाया था। नेक्स्ट क्लास में हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के ऐसे ही दो दो चार चार पांच पांच चार्जेस वाले क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक्स शुरू करेंगे अगली क्लास में या कुछ न्यूमेरिकल्स और डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना रहने देता हूँ, बाकी अभी 7 बजे मैथ की क्लास है, जिनको अटेंड करनी है कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, और किसी को कुछ पूछना है तो भाई कॉल करके पूछ लेना या मैसेज करके पूछ लेना। थैंक यू सर।